गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, कैसे हैं बच्चे लोगों आप लोग? हाँ जी, तो हमारी बात चल रही थी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के फर्स्ट चैप्टर के ऊपर, जो हम लोग कल की क्लास में बेसिकली खत्म कर चुके हैं, और आज हम लोग करने वाले हैं उस पूरे चैप्टर को एक बार वापस से रिवाइज, स्टडी मटेरियल के हमारे जो भी क्वेश्चन हैं उन सब पर बात करके आज हम इस चैप्टर करने वाले हैं समापन समारोह, और कल से स्टार्ट हो जाएगा हमारा अगला चैप्टर। तो बच्चों, इस वक्त स्टडी मटेरियल मेरे सामने है, आप लोग देख पा रहे हैं, और स्टडी मटेरियल में ये कहानी, ये सिलसिला शुरू हुआ सेक्शन नंबर 88 से, जहां आप लोग जानते हो कि 88 में कंपनी को मेंटेन करने पड़ेंगे बहुत सारे रजिस्टर, जिसमें मेंबर्स का रजिस्टर भी होगा। किसी को फॉर्म नंबर देखना हो तो यहां से देख सकता है बहुत बेहतरीन तरीके से। डिबेंचर होल्डर का रजिस्टर भी होगा, जहां पे आपको इनके अलावा अदर सिक्योरिटी होल्डर के रजिस्टर भी करने होते हैं मेंटेन, बराबर, बहुत सिंपल सी बात थी। फिर हम लोगों ने ये भी यहां पे बात कर ली, मतलब मेनली हम रजिस्टर्स की बात कर रहे थे, क्या क्या डिटेल आएगा अगर 50 से ज्यादा मेंबर्स हो तो उस केस में, या डिबेंचर होल्डर या जो भी कुछ है, तो एक इंडेक्स जो है वो इनका मेंटेन करके रखना पड़ेगा। फॉरेन रजिस्टर्स के हमारे काफी सारे रूल थे कि भाई आप कैसे उसको मेंटेन करेंगे, क्या कुछ करेंगे, वो सारे प्रोविजंस आप लोगों ने सेक्शन नंबर 88 के अंदर ही सब कुछ पढ़ा है, बराबर। फिर हमारा सेक्शन नंबर 89 आया, ये देखिए 88 वाला पूरा सेक्शन है, इसके साथ में मेरे ख्याल से दो एक एग्जाम्पल्स हमारे अटैच थे, जिन पर आई थिंक हम लोगों ने बात कर ली थी, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और एग्जाम्पल नंबर टू। बच्चों 89 में हमारा पॉइंट था कि दो तरह के शेयर होल्डर हो सकते हैं, एक हमारा रजिस्टर्ड वाला, एक हमारा हो सकता है बेनिफिशियल इंटरेस्ट रखने वाला, और दोनों एक दूसरे के बारे में यहां पे डिक्लेरेशन करने वाले हैं। हाँ, आप देख सकते हो चार्ट में भी, मेंबर नॉट होल्डिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी, मतलब ये हमारा रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हो गया। दूसरा पर्सन, एनी पर्सन होल्डिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट, यानी ये हमारा बेनिफिशियल शेयर होल्डर हो गया, और दोनों एक दूसरे के बारे में डिक्लेरेशन करने वाले हैं। आप देख सकते हो, शेल फाइल अ डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट विद इन 30 डेज, एंड कंपनी फाइल अ रिटर्न टू आरओसी विद इन 30 डेज, मतलब ये दोनों लोग मिलकर के 30 डेज में कंपनी को बताएंगे, और आगे कंपनी 30 डेज के अंदर आरओसी को बताएगी। इवन अगर इनके रिलेशन में बेनिफिशियल इंटरेस्ट में किसी तरह का कोई चेंज होता है तो वो भी आपको 30 डेज के अंदर आरओसी को बताना है, और सॉरी कंपनी को बताना है, और कंपनी उसको आरओसी को बताने वाली है, बराबर। तो बहुत इस एक चार्ट से सारी चीजें अपने को समझ में आ जाती है। फिर अगर नहीं बताया तो इसके अगेंस्ट में भी पेनल्टी है, इसके अगेंस्ट में भी पेनल्टी है, अगर कंपनी ने नहीं फाइल किया तो कंपनी के अगेंस्ट में भी पेनल्टी लगने वाली है। ये सारे पॉइंट्स भी आप लोगों ने पढ़ लिए थे, बराबर, सब कुछ अपन लोगों ने पढ़ लिया, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे होगा, एक्सेप्शन एग्जम्पशन सब कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया। कंपनी के डिविडेंड राइट्स पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन 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 कंपनी उस पर्सन के डिविडेंड्स को रोक सकती है। बेनिफिशियल इंटरेस्ट का मतलब भी हम लोगों ने पढ़ लिया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी में जो राइट्स आपको मिल रहे हैं या जो डिविडेंड राइट्स आपको मिल रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं बेनिफिशियल इंटरेस्ट, ठीक है। फिर हमारे पास में बहुत जबरदस्त, अच्छा एक एग्जाम्पल, चलिए जी ये एग्जाम्पल अपना रह गया है 89 का, मैंने आपको कहा था आज की क्लास में हम लोग स्टडी मैट के जो भी इलस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल है इस चैप्टर से कनेक्टेड, और जो भी क्वेश्चन है उन सब पर बात करने वाले हैं। तो यहां पे क्या लिखा है, यहां पे है एम्मा गिफ्टेड द शेयर परचेज बाय हर बाय द कंपनी बायो ऑप्टिक्स लिमिटेड टू हर सिस्टर कैथी, ठीक है, बढ़िया है भाई। एम्मा हैड परचेज दी शेयर ऑन द ओकेजन ऑफ हर बर्थडे इन फेब्रुवरी 2019 के अंदर, ठीक है। तो अब सवाल यह है कि एम्मा ने कुछ शेयर्स जो हैं वो अपनी सिस्टर के लिए गिफ्ट के अंदर परचेज किए हैं। हाउएवर नीदर एम्मा नोर कैथी, ना तो एम्मा ने, नीदर एम्मा नोर कैथी वर अवेयर दैट दे हैड टू इंटीमेट अबाउट द ट्रांजेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ सच शेयर एज अ गिफ्ट टू द कंपनी। अब इनको नहीं पता था कि जो शेयर एज अ गिफ्ट उन्होंने परचेज किए हैं वो उसके बारे में उनको कंपनी को डिक्लेरेशन करना था। डिस्कस द सेम इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 89, बच्चों आपको क्लियर बोल दिया कि सेक्शन 89 के हिसाब से बताओ। अब थोड़ा सा अपन दिमाग लगाएं तो सेक्शन नंबर 89 कब अट्रैक्ट होता है, जब एक बंदा हो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर और दूसरा बंदा रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, दूसरा बेनिफिशियल शेयर होल्डर हो, है ना। तो यहां पर क्या लगता है, एम्मा ने गिफ्टेड कर दिए शेयर परचेज बाय हर ऑफ द कंपनीज बायो ऑप्टिक्स लिमिटेड टू हर सिस्टर कैथी, यानी बच्चों यहां पे उसने शेयर परचेज कर लिए हैं अपनी बहन के लिए,
तो क्या ऐसा हो रहा है क्या कि नाम एम्मा का है और बेनिफिट कैथी को मिलने वाले हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है कुछ भी। बराबर से भाई, शेयर्स जब आपने परचेज करके किसी को गिफ्ट कर दिए हैं तो जिसको गिफ्ट किए वही रजिस्टर्ड शेयर होल्डर भी है और वही साथ में बेनिफिशियल शेयर होल्डर भी है, तो उस हिसाब से तो सेक्शन नंबर 89 किधर अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है। आओ देखो, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 89 ऑफ द एक्ट डीलिंग विद द डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन शेयर्स बाई अ पर्सन टू द कंपनी डज नॉट अप्लाई इन अ सिविल सूट वेयर द टाइटल ऑफ द शेयर इज इन डिस्प्यूट। हालांकि ये डिस्प्यूट वाली लाइन यहाँ पे लग नहीं रही है, ये तो इन्होंने केस का रेफरेंस आपको दे दिया है, कजामिया मीरान साहेब मुजाहिद वर्सेस पीरप्पा मीरान साहेब मुजाहिद के नाम का हमारा एक केस था। सर इस केस का डिटेल क्या है? उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो ज्यादा अपन को डिस्कस करने की जरूरत नहीं, फिर भी आपको लगा तो चलो केस का डिटेल आपको बता देंगे कभी, लेकिन इतना रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इस पॉइंट का कनेक्शन नहीं है। अपनी मेल लाइन यहाँ पे दे रखी है, वेयर द शेयर्स आर गिफ्टेड अवे, समझिएगा यहाँ पे कोई डिस्प्यूट का मैटर नहीं है, वेयर द शेयर्स आर गिफ्टेड अवे दे बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द डोनी। बच्चों बहुत सिंपल है, हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ के आए हैं, अगर मैंने आपको कोई चीज गिफ्ट कर दी है, डोनेट कर दी है, तो जो डोनी है या जो एक्सेप्टर है ये प्रॉपर्टी उसकी हो चुकी है ना, पर इवन विदाउट कंसिडरेशन भी ये वैलिड होता है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। तो अगर एमा ने शेयर भले ही परचेस किए लेकिन गिफ्ट कर दिए कैथी को, तो कैथी है उसकी ओनर, ओनरशिप ही ट्रांसफर कर दी है, हेंस द प्रोविजन रिलेटिंग टू डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट आर नॉट एप्लीकेबल। ये तो एक कॉमन हो गया कि जैसे मैं अपने शेयर किसी को बेचता हूं वैसे ही मैंने अपने शेयर किसी को गिफ्ट कर दिए, बकायदा कंपनी को हमने इंटीमेट किया होगा और कैथी के नाम से वहां पे रजिस्टर भी हुए होंगे और उसी को सारे बेनिफिट्स भी मिल रहे होंगे, तो ये दो लोग और बेनिफिशियल इंटरेस्ट वाला तो सिस्टम ही नहीं आया, तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू डिक्लेयर एनी मैटर इन 89। अब ये डिस्प्यूट वाला केस जो ऊपर इन्होंने लगाया बच्चों, ये यहाँ पे सूट नहीं कर रहा है, ये ऐसे ही जस्ट कहीं किसी और मैटर का लगा दिया लगता है। अपने लिए लास्ट की तीन लाइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी जो आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, बराबर, कोई टेंशन नहीं, नेक्स्ट पे बढ़ जाऊं। चलिए जी, नेक्स्ट पे अपने पास में आ गया बच्चे लोगों सेक्शन नंबर 90, और सेक्शन नंबर हमारा 90 बहुत जबरदस्त था, एसबीओ का सेक्शन था, आपको मैंने कहा था कि ये देखिए एसबीओ के बारे में ये है हमारा पुराना डेफिनेशन जो आप लोगों को बुक में भी मिल जाएगा, है ना, सेम डेफिनेशन मिलेगा, लेकिन फिर इन्होंने बोल दिया हाउएवर कंपनी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर अमेंडमेंट रूल्स 2019 हैज अमेंडेड द डेफिनेशन ऑफ एसबीओ, और उसके हिसाब से इन्होंने रूल्स जो है वो चेंज कर दिए, और ये सारे रूल्स चेंज वाले बच्चों यहां से लगा करके यहां तक, ये देखिए जहां पे 10% देख सकते हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, है ना, शेयर्स पर आपका होल्डिंग है जैसा मैंने आपको कहा था, अब लोगों ने पढ़ लिया, या 10% वोटिंग राइट्स पर कंट्रोल होना चाहिए, वेदर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हो सकता है, अपन ने सारी चीजें पढ़ी। उसके अलावा बच्चों डिविडेंड पर, डिस्ट्रीब्यूटेबल डिविडेंड वही हो गया अपना, जो डिविडेंड है उस पर उसके 10% पर कम से कम कंट्रोल है, वेदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। या अपना एक और पॉइंट था कि किसी तरह से आपके पास में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ चुका है जो अदर देन कंट्रोल होना चाहिए, ये अपन लोगों ने पढ़ा था। ये सारे पॉइंट्स आपके बुक में वो दे रखे, अब ये चाहे उसने अकेले लिए हो या किसी के साथ मिलकर लिए हो, है ना, या वन और मोर पर्सन और ट्रस्ट के मीडियम से लिए हो, सारे पॉइंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एसबीओ बनने के लिए कोई भी पर्सन खुद या किसी के साथ मिलके या इनडायरेक्टली ट्रस्ट बॉडी कॉर्पोरेट या इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, जो पूल इन्वेस्टमेंट अपन ने पढ़ा था उनके थ्रू अगर शेयर्स अक्वायर करता है तो हम बोलेंगे ये बंदा है एसबीओ, बराबर। और एसबीओ को डिक्लेरेशन करनी पड़ती है, वो भी अपने को पता है। फिर से वापस सिंपल टर्म्स में आपको एक डेफिनेशन और दे दी, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। सर ये मेजोरिटी स्टैक का डेफिनेशन इन्होंने क्यों दिया? मैंने आपको कहा था कि अगर जयेश भंडारी एक्स लिमिटेड में या एक्सएल लिमिटेड में अपनी कंपनी के थ्रू शेयर एक्वायर करता है तो जेबी लिमिटेड के थ्रू, तो जेबी लिमिटेड में मेरा स्टेक कितना होना चाहिए? एटलीस्ट मोर देन वन हाफ ऑफ द कैपिटल मेरे पास में है, या 50% से ज्यादा के वोटिंग राइट मेरे पास में है, या आधे से ज्यादा डिविडेंड मुझे मिल रहा है, तो ये जेबी लिमिटेड पे मेरा इन्फ्लुएंस कहा जाएगा। और मैंने लिए 8% शेयर, और जेबी लिमिटेड के थ्रू अगर मैंने 2% के शेयर परचेस कर लिए तो ये माना जाएगा कि मैं यहाँ पे सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर हूं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इसीलिए ये मेजोरिटी स्टेक वाले पॉइंट्स आए थे बच्चों, जो आपको मैंने इनडायरेक्टली वाले पॉइंट में समझाए थे, ठीक है, बराबर। चाहे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होल्डिंग अपन पहले ही बात कर चुके बच्चों, डायरेक्ट होल्डिंग जब उसके खुद के नाम से हो या जब वो खुद बेनिफिशियल इंटरेस्ट रखता हो, इनडायरेक्टली कैसे हो सकता है? बॉडी कॉर्पोरेट के थ्रू, एचयूएफ के थ्रू, पार्टनरशिप ट्रस्ट या फिर पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल के थ्रू उसने शेयर एक्वायर किए हो,
याद आ गया पॉइंट, मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास रिवीजन है ये सारा का सारा जो हम लोगों ने पढ़ा वो सब आपको मैं स्टडी मैट से भी बताता जा रहा हूं कि भी कोई टेंशन नहीं है। अब एक पॉइंट जो मैंने आपको कल की क्लास में कहा था डिक्लेरेशन का, ओनस ऑन द रिपोर्टिंग कंपनी। बच्चों इसका मतलब हो गया ड्यूटी किसकी है, डिक्लेरेशन करने की नहीं, डिक्लेरेशन करवाने की ड्यूटी कंपनी के सर पे डाली है। द ड्यूटी इज ऑन द रिपोर्टिंग कंपनी टू आइडेंटिफाई एसबीओ। जैसा आपको मैंने कहा था उस बेचारे को क्या पता कि भाई एसबीओ को ऐसा कोई डिक्लेरेशन करना पड़ता है, है ना। तो हमने अच्छा चलो पता हो नहीं पता हो जो भी हो, मैंने आपको क्या कहा कि लॉ इसमें ड्यूटी डालता है कंपनी के सर पे, द ड्यूटी इज ऑन द रिपोर्टिंग कंपनी टू आइडेंटिफाई एसबीओ, कि आप एसबीओ के बारे में पता लगाओ and cause such SBO to make a declaration in the prescribed form। और आप SBO को बोलो कि भाई साहब आप बन चुके हो, आप declare करो। अब आपके सामने सवाल आएगा सर कंपनी को कैसे पता लगेगा। बच्चों एक direct holding में तो आपको पता है जब भी कोई बंदे के पास already इतने shares हैं, मतलब 8% 7% 6% और new shares वो purchase करने जा रहा है या उसके नाम से transfer होने जा रहे हैं और उससे अपने को लग रहा है कि इसका holding 10% या more हो जाएगा, तो अपने लिए जरूरत है कि हम उसको इंटीमेट करें कि भाई पहले डिक्लेरेशन कर दो, फिर आपको ये सर वो इनडायरेक्टली अगर उसने एक्वायर किया हो तो अपने को यहां पे बच्चों कंपनी को अपने फिर यहां पे वो कहते हैं जासूस लगाने पड़ते हैं, सोर्सेज लगाने पड़ेंगे कि जो भी ऐसी कंपनी एक्वायर मतलब शेयर परचेस करने के लिए आ रही है उसमें पहले से किसी शेयर होल्डर का कोई मेजोरिटी स्टेक तो नहीं है, ऐसा कुछ उनको पता लगाना पड़ेगा। ये अब इनके अपने रास्ते होंगे, अपने इनके तरीके होंगे, क्योंकि लॉ ने तो सीधा कह दिया कि रिपोर्टिंग कंपनी के ऊपर ही अथॉरिटी है, सॉरी ड्यूटी है कि वो आइडेंटिफाई करे, पता लगाए कि एसबीओ कौन है और एसबीओ को बोले कि डिक्लेरेशन दो, जैसा अपने कल पढ़ा भी था आइडेंटिफाई करने वाला पॉइंट, है ना। और ये लोग डिक्लेरेशन बच्चों बीएन वन में करेंगे, कंपनी आगे बीएन टू के अंदर आरओसी को इंटीमेट करेगी, वो सारे हमारे पॉइंट दे। पर आपको याद हो तो मैंने पढ़ा था कंपनी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगी और हर कंपनी तीन लोगों को नोटिस देती है, याद आया, जो कंपनी को लगता है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है या उसके बारे में पता रखता है या पिछले तीन सालों में वो कभी भी रहा है तो उसको कंपनी नोटिस देगी और उसको बोलेगी कि भाई आप इसको डिक्लेयर करो। और अगर वो डिक्लेयर नहीं करता है बच्चों तो वो ट्रिब्यूनल के पास में जाएंगे कि सारे पॉइंट अपने पढ़ लिए थे, ठीक है। अगर 30 डेज में उन्होंने जवाब नहीं दिया या सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं आया तो ट्रिब्यूनल के पास में कंपनी पहुंच जाएगी और 15 दिन में अपन ने पढ़ा था 15 डेज के अंदर ही ट्रिब्यूनल के पास में पहुंचेंगे और 60 डेज के अंदर ट्रिब्यूनल करीब करीब इसका ऑर्डर दे सकता है, वे आप या तो इन्फॉर्मेशन दो नहीं तो हम आपके राइट्स को सस्पेंड कर रहे हैं। ये चीज बच्चों कल की क्लास के अंदर हमने सारा पढ़ लिया था, ये देखो 15 डेज वाला अपना पॉइंट सब कुछ अपन लोगों ने पढ़ लिया था, ट्रिब्यूनल वाला पूरा पॉइंट अपन लोगों ने पढ़ लिया, बराबर। फिर आपको याद हो टू डिक्लेरेशन बाय एसबीओ, तो सवाल कल को यही था कि सर एसबीओ को डिक्लेयर करना है बिल्कुल, लेकिन लॉ खुद कह रहा है कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने कंपनी के सर पर डाली है कि आप आइडेंटिफाई करो और उसको बोलो कि डिक्लेयर करें, है ना। और डिक्लेरेशन के लिए टाइमिंग नए केसेस में हमने बोला आपको 90 डेज के लिए, नया जब एक्ट लग रहा है और पहले से अगर कोई एसबीओ है तो, और उसके बाद में बच्चों हमने बोला 30 डेज, हर बार हमने आपको बोल दिया 30 डेज के अंदर रिक्वायर है कि कोई भी एसबीओ और बच्चों ये कंपनी, तो कंपनी एसबीओ को इंटीमेट कर रही है कि डिक्लेयर करिए, तो एसबीओ इंटीमेट करेगा 30 डेज में और कंपनी आगे आरओसी को वापस 30 डेज में इंटीमेट भी करेगी और रजिस्टर भी मेंटेन करेगी, जैसा मैं आपको बताता जा रहा हूं। लेकिन जब ये नया अमेंडमेंट एक्ट लगा तो पहली बार हमने आपको 30 डेज की जगह पे 90 डेज का टाइम दिया था कि चलो भाई ठीक है, ये अमेंडमेंट रूल्स लगने से आप अगर पहले से एसबीओ हैं ऑलरेडी अभी है तो कंपनी इंटीमेट करेगी कि भाई देखो नया कंपनी लो आया है और आपको अभी ये 90 डेज में हमको डिक्लेयर करना है, और जब ये डिक्लेयर कर दें तो वहां से 30 डेज में कंपनी आरओसी को इंटीमेट करेगी, आपको ध्यान रखना है। तो ये तो फर्स्ट टाइम रूल है, फर्स्ट टाइम रूल के बाद में जब भी ये बेनिफिशियल ओनर बनेगा याद रखिएगा रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के सर पे डाली है, कंपनी आइडेंटिफाई करे और कंपनी उनको इंटीमेट करे कि भाई नाउ यू आर एसबीओ तो आपको ऐसा इंटीमेशन करना है, और 30 दिन में ऐसा इंटीमेशन करिए जब हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं या जो भी कुछ है, बराबर। वैसे 30 डेज कहां से चालू होंगे अपने को पता है, नॉर्मली जो भी 30 डेज है बच्चों ये सच एक्विजिशन से करने चाहिए, जब भी आपने शेयर्स एक्वायर किए तो 30 दिन में दो काम होने हैं, और प्रैक्टिकली जब भी आप ऐसे शेयर एक्वायर कर रहे हो तो उस वक्त कंपनी आपको इंटीमेट कर देगी कि आप एसबीओ को डिक्लेयर करिए, मतलब आप एसबीओ बनने जा रहे हो तो आप डिक्लेयर करिए, और देन उसके बाद वो डिक्लेरेशन उनको 30 दिन के अंदर अंदर करना है एक्विजिशन से 30 दिन में। तो ये 30 दिन में कंपनी का एसबीओ को बताना और एसबीओ का डिक्लेरेशन करना सब कुछ हो जाना चाहिए, ये आप लोग को ध्यान रखना है।
ठीक है। हाँ, यहां पे आप लोगों का डाउट मैं समझ सकता हूं कि सर अगर इनडायरेक्ट बेसिस पे लिए हो तो, और अगर कंपनी आइडेंटिफाई नहीं कर पाई तो, मैं आपको जैसा हमेशा कहता हूं बच्चों, अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो भाई नहीं कर पाए, उसमें क्या हो सकता है, कंपनी अपने सोर्सेज हमेशा ओपन रखेगी कि आगे जाके भी अगर आइडेंटिफाई हुआ, क्योंकि हमने क्लियर बोला है, देखो हमने यहां पे हमेशा बोला एवरी रिपोर्टिंग कंपनी जो है वो अगर उसके पास ये रीजनेबल कॉस्ट टू बिलीव है कि भाई हाँ ये बंदा है तो आप उसको इंटीमेट करिए, और वो इंटीमेशन करने के बाद 30 दिन में सामने वाला जो है वो इंटीमेशन आपको देगा। ये अपन ने पहले भी पढ़ा, ठीक है। अच्छा, यहां पे भी अपन ने पढ़ा द ड्यूटी इज ऑन द रिपोर्टिंग कंपनी टू आइडेंटिफाई एसबीओ, तो ये जिम्मेवारी कंपनी पे डाली है कि आप एसबीओ को आइडेंटिफाई करिए और देन उनको बोलिए डिक्लेरेशन करे, अगर नहीं करते हैं तो आप ट्रिब्यूनल को जाकर के कंप्लेन करिए, फिर भी नहीं करते हैं तो उनके राइट्स को रोक दीजिए। ये सारा प्रोसेस बच्चों अपना चलने वाला है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अच्छा, डायरेक्टली में तो टेंशन ही नहीं है, जब वो एसबीओ बनने जा रहे हैं उसी वक्त उनको बोलो सर आपके पास 30 दिन है, आप फटाफट से डिक्लेरेशन करो तो आपके फेवर में शेयर ट्रांसफर करेंगे, नहीं तो रोकना पड़ेगा हमको। ये सब आप लोग कल भी मेरे साथ में पढ़ चुके हैं, अपने को ध्यान में रखना है। फिर बच्चों नॉन एप्लीकेबिलिटी के पॉइंट बहुत जबरदस्त थे। अगर कोई भी शेयर्स, मतलब एक तरह से आप ये समझो कि अगर ये लोग एसबीओ बन रहे हैं, यहां जो दे रहे हैं लोग, ये अगर एसबीओ बन रहे हैं तो ये डिक्लेरेशन वगैरह वाले रूल्स लगने वाले नहीं है। जिसमें हमारा पॉइंट था अगर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड ऑथोरिटी जो आरबीआई के कंट्रोल में डायरेक्टली, वो अगर 10% या मोर शेयर एक्वायर करती है तो चलने दीजिए, नो डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड। होल्डिंग कंपनी नहीं जरूरत है, वो पहले से होल्डिंग है। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल ऑथोरिटी ने अगर 10% या मोर हेल्ड करके रखे नहीं डिक्लेयर करना है। कोई भी एससी एंटिटी ने हेल्ड करके रखे हैं जिसमें सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का मेजोरिटी स्टेक है तो इनको, या होल स्टेक है तो इनको भी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है बच्चों। होली और पार्टली बाय द सीजी और एसजी तो उनको भी डिक्लेयर नहीं करना है। और आपको मैंने इन्वेस्टमेंट के दो मैथड बताए थे, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, इजी है। अगर म्यूचुअल फंड्स बने हुए हैं, लोगों के फंड्स होते हैं उसमें से वो इन्वेस्ट हुए 10% के लिए, या अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स बने हुए हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, और वहां से ये पैसा 10% और मोर के लिए इन्वेस्ट हुआ है ताकि 10% और मोर ये लोग एक्वायर कर लें इस पूल के थ्रू, और अगर एसबीआई ने अप्रूव किया है तो परमिसिबल रहेगा। और उसी तरह से बच्चों इन्वेस्टमेंट व्हीकल जिसको आरबीआई या आईआरडीए या पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑथोरिटी अप्रूव करे तो वो भी वैलिड रहने वाला है, अपने को ध्यान रखना है। पेनल्टीज अपन पहले ही पढ़ चुके हैं एसबीओ के अगेंस्ट में भी। अब सर ये पेनल्टी कब लगनी है, फेल्स टू गिव, मतलब कंपनी ने आइडेंटिफाई करके उनको इंटीमेट कर दिया और फिर भी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, तो ये पेनल्टी बच्चों लगने वाली है, ठीक है। और रिपोर्टिंग ऑथोरिटी ने अगर गलतियां की, आपने रजिस्टर मेंटेन नहीं किया, आपने एसबीओ को आइडेंटिफाई करने में गड़बड़ी किया, आपने इंस्पेक्शन करने से मना किया, वो सारे केस में आपने आरओसी को डॉक्यूमेंट फाइल नहीं किया, तो वो सारी पेनल्टीज जो है वो लगने वाली है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, बराबर, कोई टेंशन नहीं, सिंपल हम लोगों ने कर लिया। और एग्जम्पशन टू गवर्नमेंट कंपनीज भी बच्चों हम लोग कर चुके हैं। नाउ सेक्शन नंबर 91 बहुत सिंपल था, मेंबरशिप रजिस्टर क्लोज रहेगा 45 डेज इन अ ईयर, जिसमें से भी कंटिन्यूज अगर रहेगा तो रहेगा 30 डेज के लिए। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, लेकिन उसके लिए 7 डेज पहले एटलीस्ट जो है वो नोटिस देना पड़ेगा। लिस्टेड कंपनी के लिए सेबी थोड़ा सा लेसर टाइम भी स्पेसिफाई कर सकती है, ये भी आप लोग ध्यान रखोगे। ये देखो एग्रीगेट टाइमिंग 45 डेज इन वन ईयर, कंटिन्यू अगर रखना है तो नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, 7 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा आपको, और लेसर अमाउंट बाय स्पेसिफाई बाय सेबी लिस्टेड कंपनीज के केस में हो सकता है, नहीं तो पेनल्टी लगेगी, ठीक है। और ये पॉइंट मैंने आपको अलग से बता दिए थे कि नोटिस कैसे देना है, इंग्लिश और लोकल न्यूज़पेपर के अंदर देना पड़ेगा, कंपनी का वेबसाइट के ऊपर देना पड़ेगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई वेबसाइट है उस पर भी देना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे जो आप लोगों को मैंने बता दिए थे। प्राइवेट कंपनीज के लिए अलग रूल है हमारे बच्चों। एनुअल रिटर्न कल की क्लास में हम लोगों ने कर लिया 92 के अंदर, जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, ये सब हमने पढ़ ली। ये देखो शॉर्ट में अगर पढ़ना चाहो तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चार्ट फॉर्म में मिल जाएगी। स्टडी मैट ने बहुत खूबसूरत से चार्ट बनाया है, मेरी चार्ट बुक भी प्रिपरेशन में है, जहां पे हम लोग थोड़े से शॉर्ट नोट्स तैयार कर रहे हैं ताकि एग्जाम टाइम में आपको अगर उससे पढ़ना हो तो पढ़ने में बहुत ईजी हो जाए, या जब मैं कोर्स खत्म होने के बाद रिविजन के लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो वो बहुत ज्यादा काम में आ जाए, या बीच बीच में भी हमने कुछ रिविजन लेक्चर्स बनाए तो काम में आएंगे, ठीक है। खास बात ये थी कि 60 डेज का टाइमिंग था एजीएम से और एजीएम नहीं हुई, तो जब होनी चाहिए थी वहां से 60 डेज में कंपनी हैव टू सबमिट एनुअल रिटर्न। साइन आप लोग जानते हो कि कंपनी सेक्रेटरी डायरेक्टर दोनों के साइन होंगे, सीएस अपॉइंटेड नहीं है तो प्रैक्टिसिंग वाले के साइन होंगे।
ओबीसी स्मॉल कंपनी या प्राइवेट कंपनी अगर हमारी स्टार्टअप वाली है तो कौन साइन करेगा, आप लोग जानते हो, वेदर सीएस इन प्रैक्टिस या वेदर सीएस या डायरेक्टर साइन कर दे तो हो जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना था। ठीक है, ये देखिए बहुत सीधा सीधा सा, 1% कंपनी स्मॉल कंपनी वगैरह के लिए कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो फिर डायरेक्टर साइन कर दे, ये सब हम लोगों ने बच्चों बात कर लिया था। फिर आपको ये भी कहा था लिस्टेड कंपनी है, कैपिटल 10 करोड़ या ज्यादा है, टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है तो फिर आपको एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट साथ में लगाना पड़ेगा सीएस की तरफ से कि वे सारे प्रोविजन हम लोगों ने पूरे किए हैं, सब कुछ एकदम प्रॉपर तरीके से हुआ है, ये भी अपने को करना पड़ेगा, सारे फैक्ट्स करेक्टली हुए और सीएस उसके ऊपर साइन भी करेगा, ये आप लोगों को मैंने बताया था। टाइमिंग वाला पॉइंट आपका यहां दे रखा है। प्राइवेट कंपनी को एज यूजुअल हमने एक दो जगह पे एग्जेम्पशंस दिए हैं एग्रीगेट वगैरह वाले में, जो आपको मैंने बता दिए थे। ठीक है, क्लियर, कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़े। पेनल्टी भी अपन लोगों ने पढ़ ली थी। तो बच्चे लोगों ये सारे पॉइंट्स हम लोगों के हो गए। अगला एक एग्जाम्पल 92 पे है, आइए इसको भी पढ़ लेते हैं ताकि हमारे एग्जाम्पल्स का काम खत्म हो जाए। बिग फॉक्स प्राइवेट लिमिटेड कॉल्स इट्स एजीएम ऑन 30th सितंबर फॉर लेइंग डाउन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18 के लिए। बच्चों ये क्वेश्चन कल हम अपनी बुक से कर चुके हैं, ड्यू टू वॉन्ट ऑफ कोरम मीटिंग हुई नहीं और कैंसिल हो गई, कंपनी ने एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किए, डायरेक्टर लोगों का व्यू है कि जब एजीएम हुआ ही नहीं तो 60 डेज की रिक्वायरमेंट हमारे ऊपर लगेगी नहीं, अपनी बुक का ही क्वेश्चन है। मैंने आपको कह दिया कि भाई आपने सेक्शन कॉन्ट्रोवेंट कर दिया है, पेनल्टी लगने वाली है, क्योंकि ये आपको हम मान के चलते हैं 30th सितंबर से 60 डेज में आपको सबमिट करना ही चाहिए था, नहीं किया तो पेनल्टी बुक तो अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, 94 प्लेस ऑफ कीपिंग ऑलरेडी 1/10 वाला प्रोविजन आप लोग पढ़ चुके हो। खास बात इसमें आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि डायरेक्ट और स्टडी मटेरियल थोड़ा सा अलग चल रहे हैं। इंस्पेक्शन करने का पावर शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर, बेनिफिशियल ओनर और एनी अदर पर्सन को भी हम लोग दे रहे हैं कि आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। वर्किंग डे पे आइए, कम से कम आपको 2 आवर्स हम अवेलेबल कराएंगे इंस्पेक्शन करने के लिए सारे रजिस्टर्स, आप बिल्कुल आराम से आकर के देखिए। फीस भी हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी, कितनी थी बच्चों को, 50 रुपया था, 10 रुपया था, कितना था, 10 रुपया तो था कॉपी लेने के लिए, नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज या डिसाइडेड बाय द आर्टिकल अपन ने पढ़ा था। फिर मैंने आपको खास बात कहा था कि अगर एक्सट्रैक्ट लेना चाहो तो सबके लिए फोगट है। ठीक है, अच्छा ये जो ऊपर वाली फीस थी 50 रुपीज ये भी अदर पर्सन के लिए थी ना, अदर पर्सन के लिए थी, याद रखिएगा, घर के लोगों के लिए नहीं थी। एक्सट्रैक्ट लेना सबके लिए फोगट था, कोई पार्ट अगर देखना है आपको खाली तो फोगट है सबके लिए, कोई पार्ट अगर देखना है तो फोगट है। लेकिन अगर आपको कॉपी लेनी है तो सबके लिए फीस लगेगी, 10 रुपया पर पेज से ज्यादा नहीं होगी, अपन ने पढ़ा था 7 दिन में आपको हम दे भी देंगे। इस वाले पॉइंट में स्टडी मैट ने यहां पे अदर पर्सन को इंक्लूड नहीं किया है, जबकि डायरेक्ट अपन चेक करेंगे तो अदर पर्सन भी ये सब चीजें कर सकता है। तो सर हमें क्या करना है बच्चों, फिलहाल तो आप स्टडी मैट की बात को मानिए, फिलहाल तो मानिए, लेकिन अकॉर्डिंग मी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है कि यहां इस पॉइंट के अंदर भी अदर पर्सन आना चाहिए, पर फिलहाल आप स्टडी मैट को फोकस रखिए। लास्ट में जो भी हम लोग कोई अमेंडमेंट्स आए या कोई कई बार प्रिंट नहीं होता है तो वो ऐसे ही बताएगा, वैसा हम लोग कर लेंगे। ठीक है, मना किया दिखाने से तो हम जा सकते हैं सीधा सीधा ट्रिब्यूनल के पास में, ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा, 7 डेज के अंदर उनको दिखाना भी पड़ेगा, पेनल्टी भी लगेगी, अपने को ध्यान में रखना है अगर कॉपी नहीं दिखाई तो, और ये एविडेंस की तरह से काम करेगी। तो बच्चों ये सेक्शन 95 तक ये सब प्राइम ऑफिस एविडेंसेस है, हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है और इसके साथ ही आप लोगों का पूरा पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म। स्टडी मैट से आपको एक बार मैंने इसको रिवाइज भी करवा दिया है। ठीक है बराबर, आ जाओ अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ इसके। हम लोगों ने अच्छा पूरा मीटिंग्स का मिक्स चैप्टर है तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी इसके कर चुके हैं। अभी वाले चैप्टर से कनेक्टेड अगर कुछ भी है बच्चे लोगों तो आओ हम लोग चेक कर लेते हैं और क्वेश्चंस कर भी लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है मिनट मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड के सारे पार्ट थे, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से 94 का है। बच्चों आ जाओ, 94 का क्वेश्चन अभी नहीं किया अपन ने। ट्यूलिप लिमिटेड मेंटेन्स रजिस्टर ऑफ मेंबर एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई। अब ग्रुप ऑफ मेंबर जो है वो कोलकाता में रहते हैं, वॉन्ट टू कीप द रजिस्टर ऑफ मेंबर एट कोलकाता, तो आपको एक्सप्लेन करना है वेदर द कंपनी कैन रजिस्टर एंड रिटर्न्स एट कोलकाता। रख सकते हैं भाई, अगर 10% ऑफ मेंबर कोलकाता में रहते हैं और कंपनी एसआर पास करे तो वहां मेंटेन कर लेंगे, क्या कहते हो सकता है। डज मिस्टर रिच होल्डिंग 400 शेयर्स ऑफ टोटल वर्थ ऑफ 4000 ओनली हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट द रजिस्टर ऑफ मेंबर, तो कहां दिक्कत है भाई।
क्या मेंबरशिप रजिस्टर देखने में शेयर होल्डिंग की कोई वैल्यू अपन ने रखी है क्या, कि इतने शेयर्स होंगे तभी आप चेक कर पाओगे, या एवरी शेयर होल्डर हैव राइट टू इंस्पेक्ट, है ना, चेक कर दे। बच्चों पूरा सेक्शन पहले तो समझा देना है आपको कॉपीज वॉपीज का, और फाइनली इन्होंने बोल दिया कि सो ट्यूलिप कैन ऑल्सो कीप द रजिस्टर रिटन एट कोलकाता, लेकिन कंप्लायंस पूरी करनी पड़ेगी कि 1/10 ऑफ मेंबर्स वहां पे रहते हो, और साथ में एसआर तो मैंने आपको बोल ही दिया, एसआर पास करना पड़ेगा, उसके बिना ये पॉसिबल होने वाला नहीं है। सर इन्होंने एसआर का पॉइंट तो दिए ही नहीं है। अरे हाँ इन्होंने तो दिए नहीं, दिया बच्चों अप्रूव बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन, हाँ दे दिया ना, एक ही बात है, ठीक है। सेकेंड वाले में अगर हम बात करें तो इंस्पेक्शन वाला पूरा पॉइंट लिखना है, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स 2 घंटा, प्रिस्क्राइब फीस 50 रुपया है, नॉट एक्सीड 50 रुपीज, और प्रिस्क्राइब बाय आर्टिकल्स, वो सब था, और डायरेक्टर, एक मिनट, डायरेक्टर भी और शेयर होल्डर भी है ना, तो ठीक है ना, ये देखो बच्चों घुमा दिया इन्होंने, ये पुराने क्वेश्चन का आंसर लेके आ गए, या कहीं नहीं बोला है कि मिस्टर रिच डायरेक्टर भी है, शेयर होल्डर है भाई, तो अ डायरेक्टर मिस्टर रिच हु इज अ शेयर होल्डर ऑफ कंपनी हैज राइट टू इंस्पेक्ट द आरओएम, ये लाइन की तो कोई जरूरत ही नहीं है भैया, डायरेक्टर कहां है क्वेश्चन में तो बोले नहीं है, फालतू घुमाया। तो सिंपली शेयर होल्डर ऑफ कंपनी हैज राइट टू इंस्पेक्ट द रजिस्टर्ड मेंबर विदाउट पेमेंट ऑफ एनी फीस। सर 50 रुपया फीस था ना सर, बच्चों 50 रुपया फीस अदर पर्सन के लिए था, बराबर, ये तो अपन यहाँ प्रोविजन लिख रहे हैं तो अपने को पूरा लिखना था कि अदर पर्सन भी इंस्पेक्ट करे तो 50 रुपीज के हिसाब से फीस लगने वाला है, बराबर सर, लेकिन यहाँ तो लिखा है पेमेंट ऑफ फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब, बच्चों जब ये आंसर लिखे गए थे तब प्रिस्क्राइब नहीं था, अभी तो है प्रोवाइडेड इन आर्टिकल्स मैक्सिमम 50 रुपीज, वो आपको लिख देना चाहिए, लेकिन इस केस में इज अ शेयर होल्डर देन ही हैव राइट टू इंस्पेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेयर होल्डिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना 400 का शेयर होल्डर है कि 4000 का है कि 40000 का है कि 4 करोड़ का है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर, ठीक है। फिफ्थ हमारा हो गया सर, सिक्स्थ भी हमारा हो गया, सेवन्थ हो गया, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ये सब उस चैप्टर के क्वेश्चन हैं, तो सारे अपने कर लिए हैं, इससे रिलेटेड अगर कोई दिखेगा तो रुकूंगा मैं, बराबर सारे हो गए बच्चों, ये है कि अंडा ना प्रॉक्सी वाला डायरेक्ट क्वेश्चन है। 92 दिखा, ये रहा बच्चों क्वेश्चन, ये तो सेम वही क्वेश्चन है, अरे बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है। बाजार लिमिटेड कॉल एजीएम इन ऑर्डर टू ले डाउन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर शेयर होल्डर अप्रूवल, इन्होंने एजीएम बुलाई, ड्यू टू वॉन्ट ऑफ कोरम मीटिंग उनकी कैंसिल हो गई, डायरेक्टर्स ने फाइल नहीं किया, उनको लग रहा है कि 60 दिन वाली रिक्वायरमेंट हमारे ऊपर है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि एजीएम कैंसिल हो गई थी, तो क्या कंपनी ने प्रोविजन फॉलो किए हैं क्या, और पेनल्टी क्या लगेगी। बच्चों 92 का सुपरस्टार एग्जांपल और क्वेश्चन हो गया, आप देख रहे हो मेरी बुक का क्वेश्चन, इनका एग्जांपल, इनका क्वेश्चन, सब एक ही क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं, 60 डेज वाला टाइमिंग, एजीएम नहीं भी हुआ हो तब भी कंपनी हैव टू सबमिट, जिस दिन एजीएम होना चाहिए था वहां से आपको करना पड़ेगा, नहीं तो पेनल्टी लगेगी। तो बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया एक तरह से, मैं चाहूंगा आप इसको जरूर इस पॉइंट को पढ़ करके जाएं और इसका पेनल्टी भी याद करके जाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया, इतनी बार देख चुके अपन ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, नो टेंशन। चलिए जी आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, खत्म 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 खत्म, खलास। तो बच्चे लोगों यहां आकर के सेक्शन नंबर 88 से लगा के 122 तक का हमारा सफर खत्म हो जाएगा, सबसे बड़े चैप्टर्स में से एक हम लोगों ने खत्म कर लिया है, थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं पे देखिए मैसेज मेरे पास में था कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब अपन पढ़ते थे फाउंडेशन के अंदर, सर वो बहुत इंटरेस्टिंग था, क्या जिन लोगों ने यहां मेरे साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, बच्चों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हमारे आसपास का है, उसमें पर्चे सेल रूल्स ये सब आप लोग पढ़ते हो, कॉर्पोरेट लॉ आपके लिए एकदम नया नया एकदम नया, सर ये बेनिफिशियल इंटरेस्ट तो हमने पहली बार पढ़ा, हमने कोरम वर्ड पहली बार पढ़ा, ये ऐसा एडजोनमेंट ऑफ मीटिंग होता है, कहां रजिस्टर मेंटेन होते हैं, कैसे कौन डिक्लेयर करता है, सारे पॉइंट्स आप लोगों के लिए नए हैं, लेकिन आगे और भी चीजें नई आने वाली हैं, तो बहुत आराम से इंटरेस्ट लेकर के चीजों को पढ़िए, क्योंकि ये सब जब आप सीए बनते हैं तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप लोगों के काम में आने वाली चीजें हैं, सब की सब, अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं या एज ऑडिटर भी आप काम करेंगे तो ये सब आपके ऑडिट के अंदर भी काम आएंगे, कि आप ये सब चीजें चेक करोगे ऑडिट के अंदर कि हाँ भाई मीटिंग के मिनट्स दिखाइए, आपका कोरम था कि नहीं था, मीटिंग सही हुई कि नहीं हुई, ताकि पता लगे डिसीजन प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ, तो सब चीजें आप लोगों के काम की है, तो बहुत बिंदास तरीके से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कोशिश करिए चीजों को अभी से याद करने की, शॉर्ट में याद करने की, और क्योंकि MCQs करेक्ट इनकरेक्ट सब कुछ हमारे कोर्स में है, ठीक है, तो यहां आकर के हमारा ये टॉपिक हो रहा है एब्सोल्यूट खत्म। अब कल क्या स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक देखते हैं कि हमारी गाड़ी रिवर्स में जाती है चैप्टर नंबर 11, 12 की तरफ, या हमारी गाड़ी आगे की तरफ जाती है चैप्टर नंबर 15 की तरफ, ये पता लगेगा आप लोगों को कल की क्लास में, ठीक है, इतना आज के लिए करिए, ओके बाय, टाटा टेक केयर,
अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जम के करिएगा। जल्दी इस पर केस स्टडी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा मैं, तो उसको करके आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, इतना करिएगा।